राहुल ड्रामा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? राहुल ड्रामा कर रहे हैं? बात है उसमें तो आप करते नहीं है, आप रोड पर ट्रैक्टर लेके जाके क्या हो गया इससे? बेटे बेटे मौज कर दी। ये जो है ये किसानों की डिबेट थी, आज आपने तो राजनीतिक बना दिया सारा इसको। रुक तेरे को बता देती तेरी रुका। बंगाल चले जाइए, यूपी चले जाइए, चुनावी राज्यों में चले जाइए, अब लखनऊ चले जाए, आप लोग जितनी मर्जी पॉलिटिक्स कर लें, आपका आंदोलन और हाइक है किसानों वाला, अब तो राजनीतिक आंदोलन रहेगा। बात हम क्यों नहीं जाएंगे तो फिर हम क्यों नहीं पॉलिटिकल डिबेट करेंगे? अमन जी फिर हम क्यों नहीं पॉलिटिकल डिबेट करेंगे? जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले। जी अमन जी जी, ये जो है ये किसानों की डिबेट थी, आज आपने तो राजनीतिक बना दिया सारा इसको। रुक तेरे को बता देती तेरी रुका। सारे ही लोग अपने अपने स्तर पे वो राजनीतिक वाली रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन इन बिलों की वापसी की बात कोई नहीं कर रहा। आप भी कहाँ कर रहे हैं? अभी तो यूपी चुनाव की बात कर रहे हैं आजकल। हमेशा बोलते हैं हम लोग पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं, आप लोग जितनी मर्जी पॉलिटिक्स कर लीजिए, बंगाल चले जाइए, यूपी चले जाइए, चुनावी राज्यों में चले जाइए, अब लखनऊ चले जाए, आप लोग जितनी मर्जी पॉलिटिक्स कर लें, आपका आंदोलन और हाइक है किसानों वाला, अब तो राजनीतिक आंदोलन रहेगा। बात हम क्यों नहीं जाएंगे तो फिर हम क्यों नहीं पॉलिटिकल डिबेट करेंगे? अमन जी फिर हम क्यों नहीं पॉलिटिकल डिबेट करेंगे? जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले। ये क्यों बात थोड़ी ना हुई बाटी जी, बताइए किसान की बात कहाँ हुई है पूरी डिबेट में? तो आप कहाँ से किसानों की बात कर रहे हैं बाटी जी? मतलब आप भी तो कह रहे हैं यूपी चुनावों में सबक सिखाएंगे, लखनऊ जाएंगे, लखनऊ को दिल्ली बनाएंगे। लखनऊ क्या बाटी जी? बंगाल क्या करने गए थे जब डोला सेन मिलने आई थी आपको? बंगाल जब टिकैत जी गए थे, डोला सेन रिसीव करने आई थी, स्वागत होता आपका विपक्षी राज्यों में। आप भी तो सर चुनावी, आपका भी तो चुनावी आंदोलन है बंगाल, और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी होगा अगर एक कानून वापस नहीं लेंगे तो। तो फिर कहां से आपका आंदोलन हो गया किसानों वाला? ये तो राजनीतिक आंदोलन हो गया। कानून नहीं बनेगा तो ये तो फिर राजनीतिक आंदोलन हो गया, बीजेपी को वोट नहीं देना, किसानों की और मांगे पूरी नहीं होंगी तो मतलब ये हमारी बात भी ना माने, ये हमको पीटते रहे, हम आ भी ना भरे, ये कहां का इतिहास है? ये कौन से संविधान में लिखा है? 8 महीने हो गए, 800 जब शहादत हो गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है एक बार भी। अगर हम कहीं चले जाए तो वहां चले गए, वहां चले गए, मतलब किसान जा नहीं सकता क्या? भारत का नागरिक नहीं है? इनको सरकार में को वोट देकर सरकार नहीं बनवाई क्या? इनके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बने किसान को वोट देकर? आज किसान अपनी बात कर रहा है, किसान अपनी संसद लगा रहा है, तो उससे भी एलर्जी है? किसने कहा एलर्जी है? क्या दिक्कत है? किसने कहा कुछ? पब्लिसिटी नहीं मिली, ऐसा ही लग रहा है हमें तो। कौन क्या मतलब क्या दिक्कत है? कहीं बात आए तो उसको इस तरह से परमिशन दी तो है, जंतर मंतर पर संसद लग रही है, बढ़िया शानदार चल रही है। 65 करोड़ आदि आठ दिनों से दिल्ली को सील करके बैठे हैं, किसी ने कुछ कहा? अगर ये लागू हो गया तो 8 महीनों से दिल्ली को सील करके बैठे, किसी ने कुछ कहा? किसान ने कोई दिल्ली सील नहीं की है, सारे बॉर्डर सील करके बैठे हैं आप लोग, सारे रास्ते दिल्ली पुलिस ने रोके हुए हैं, सारे बॉर्डर सील करके बैठे हैं, आम गाड़ी जाती है उस पर पथराव हो जाता है, सब्जी के कटीले तार लगाने काम, बैरिकेड लगाने काम पुलिस ने किया हुआ है। बता दीजिए कहां किसान ने एक भी रोका है? टिकैत जी कह रहे हैं जैसे दिल्ली सील करी वैसे लखनऊ सील करेंगे, किसान को टिकैत जी आपसे तो बड़े नेता हैं शायद, टिकैत जी कह रहे हैं जैसे दिल्ली सील करी वैसे लखनऊ सील करेंगे क्या? राकेश टिकैत कह रहे हैं जैसे दिल्ली सील करी वैसे लखनऊ सील करेंगे, अगर बात नहीं मानी जाएगी लखनऊ भी होगा तो अभी तो कह रहे थे हमने कहां सील करा, पुलिस ने करा, मुजफ्फरनगर भी होगा, सब होंगे, जहाँ चुनाव है वहां वहां करेंगे अभी, नहीं पुलिस नहीं तो लगाए हैं बैरिकेड, और जहाँ जहाँ चुनाव है वहां वहां जाएंगे, अगर किसान को रोके जाए किसान वहीं बैठ जाएगा, जहाँ जहाँ चुनाव है वहां वहां जाएंगे, वहीं बैठ जाएगा, हाँ जहाँ चुनाव है सब जगह जाएंगे, वहीं जाएंगे, सब जगह जाएंगे, जहाँ जहाँ चुनाव है सब जगह इनका विरोध करेंगे। ठीक है, बोलिए गौरव भाटिया। सब जगह विरोध किया जाएगा, और गौरव एक मिनट, मैं किशोर चौधरी का कमेंट ले रहा हूँ, उसके बाद गौरव आप बोलिए। हम किसानों के साथ हैं, लेकिन जो वॉकआउट करके यहाँ संसद या इसमें से हाउस में से भाग जाते हैं, विरोध उनका भी किया जाएगा, वो कांग्रेस के सही, समाजवादी के सही, बसपा के, सबका विरोध किया जाएगा। कश्मीर चौधरी, नकली किसानों की हमदर्दी लेने के लिए डोलते हैं, राहुल गांधी गए हैं, हाँ। बड़ा बड़ा धन्यवाद है, लेकिन देखते हैं कितना विरोध करते हैं लोकसभा राज्यसभा में, पता लग जाएगा इस चीज का भी। खाली ड्रामे की राजनीति, इस अन्नदाता को छलने की राजनीति इस देश में चलेगी नहीं। अब राहुल ड्रामा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? राहुल ड्रामा कर रहे हैं? बात है उसमें तो आप करते नहीं है, आप रोड पर ट्रैक्टर लेके जाके क्या हो गया इससे? आप बिल को वापस कराने की बात करें, आप एमएसपी करने की बात करें, जिस तरह से पहले माइक तोड़े गए, बिल फाड़े गए, लेकिन फिर भी कानून पास हो गए, इससे क्या जाहिर होता है? चीमा क्या पता लगता है इन चीजों से? चीमा जी, आज तो किसानों की शहादत हुई है अमन जी, जिसका जाता है उसको पता लगता है, ये राजनीतिक पार्टियां छलने का काम कर रही है। शाबाश बेटा।
लेकिन ये जो संसद लोग इसके बाहर चल रही है ना, ठीक है, ये पूरी तरह से आपकी बारे में एक मिनट, ये तो कह रहे हैं राहुल ड्रामा कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं राहुल ड्रामा कर रहे हैं, प्रीतपाल जी आर कश्मीर जी, प्रीतपाल जी ये तो किसान भाई हैं, वो कह रहे हैं राहुल ड्रामा कर रहे हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, इनको इनको पता लग गया, इन्होंने पकड़ लिया। आप मेरी बात सुनिए, एक मेरी बात तो सुनो, सब राजनीतिक कौन कौन थे, सब पार्टियों के, एक मेरी बीजेपी हो कांग्रेस हो भाटी जी की बात का मैं एक बात कह रहा हूँ, सुन लिए भाटी जी, भाटी जी सुन लीजिए, मुझे भाटी जी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बट मुझे ये पता है रवनीत बिट्टू किसान का बेटा है, डिम्पा किसान का बेटा है, ये भी किसान है भाई, किसान का बेटा है, दीपिंदर की बात करेगा वही किसान कहलाएगा, वही किसान कहलाएगा, राहुल गांधी भी है, किसान है भाई, सम्मानित किसान है, बना रखी है, अरे नहीं मैं किसान है, मैं आपको किसान है, यही तो दिक्कत है, अरे भाटी जी समझे नहीं बात, आप बात नहीं समझे, अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है, अरे भाटी जी बात नहीं समझे आप, नहीं, मैं आप मैंने ये कहा मैं आपको जानता हूँ, आप किसान ही नहीं है, अरे मैं समझ लो ना, सुन लो यार बात, मैं ये कह रहा हूँ भाटी जी, मैं कह रहा हूँ मैं आपको जानता नहीं हूँ, ठीक है, आप किसान हो, मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको, जो ट्रैक्टर पे साथ में थे, कह रहे राहुल ड्रामा कर रहे थे, सारे किसान के बेटे थे, ये कह रहे राहुल ड्रामा कर रहे थे, बेटे थे साथ में, वो किसान के बेटे थे, रवनीत बिट्टू किसान का बेटा है, डिम्पा किसान का बेटा है, गुरजीत औजला किसान का बेटा है, दीपिंदर हुड्डा किसान का बेटा है, अगर किसान के बेटे साथ में राहुल गांधी को ले लिया, देश के नेता को ले लिया, तो क्या दिक्कत हो गया, ये क्यों नहीं क्या दिक्कत हो गई, अभी एक मेरी बात सुनिए भाटी जी, अरे भाटी जी वो जो वो साथ में रहे ना, अरे भाटी जी जब आपको विपक्ष की जिम्मेदारी इस देश में दी हुई है तो, अरे मेरी भाटी मेरे भाई मेरी बीजेपी तो अरे हमारे नंबर कितने हैं यार, अरे मेरी बात सुनो, हमारे नंबर कितने हैं लोकसभा में, वहाँ पे तो आपने नंबरकारियों की सरकार बना रखी है, बात को रखते हैं, एससी एमपी भेज दिया बीजेपी के गंदे लोग, आप चुनाव लड़ने के लिए नंबर सारे पूरे हो जाते हैं, एससी किसान की बातारी नंबर आपके खत्म हो जाते हैं, यूपी से चुनकर भेजे हैं, पंजाब में भी भेजे हैं, यूपी वालों की गलती है, गलती सुधार ले इस बार, प्रीतपाल जी जिनकी लड़ाई लड़ रहे थे वही कह रहे हैं ड्रामा कर रहे हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं, देखिए इससे ज्यादा ये प्रीतपाल जी ये बहुत अजीब हुआ, मैं किशोर चौधरी आपके पास आऊंगी दोबारा, बाकी भी वेट कर रहे हैं, ये गलती है प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी प्रीतपाल जी जिनकी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं वही कह रहे हैं कि आप लोग ड्रामा कर रहे हैं, राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं, जिनकी आप लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं ना, कश्मीर चौधरी बोल लेते हैं, कश्मीर चौधरी बात कर रहे हैं, ये भी किसान है, एक मिनट, कश्मीर चौधरी को जो आप सुनेंगे वो भी किसान है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, वो भी किसान है, कश्मीर चौधरी जी आज तो ट्रैक्टर में, राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाया, अब तो इंसाफ मिल जाएगा किसानों को, उसके बाद गौरव मैं आपके पास आऊंगा, कश्मीर चौधरी ट्रैक्टर तो पहले भी चलाया था पंजाब में, जो आंदोलन करने से पहले भी चलवाया था ट्रैक्टर, जो है रणदीप सुरजेवाला और सुनील जाखड़ साथ थे, जब भी ट्रैक्टर पे सोफा लगा के चले थे, तो उससे क्या हुआ, जब संसद में कानूनों पर बात हुई तो राहुल गांधी देश से बाहर चले गए अपना घूमने के लिए। लेकिन एक बात मैं पूछता हूँ अपने मित्रों से कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, अर्थशास्त्री हैं, जिस समय राज्यसभा में इन बिलों पर चर्चा हो रही थी और प्रधानमंत्री बोल रहे थे, तो उस समय उन्होंने ये कहा कि जो काम मनमोहन सिंह जी आप छोड़ के चले गए, मैं तो आपके काम को पूरा कर रहा हूं। क्या ये सच्चाई नहीं है कि 8 मुख्यमंत्रियों की कमेटी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चेयरमैनशिप में बनी और उसमें ये लिखा गया कि बाजार खोलना जरूरी है किसान को बचाने के लिए? क्या ये सच्चाई नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए उसमें लिखा गया कि उसके बिना जब तक एग्रो प्रोसेसिंग में सीधे नहीं लिंक करेंगे नहीं होगा? क्या ये सच्चाई नहीं है कि पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में है, आप ये बताइए, 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो क्या उसको ये सब जो करा गया? और इस कानून में जमीन को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया, कोई मतलब नहीं है फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। और दूसरी बात, उसको तो ठीक करा नहीं आज तक, यहाँ बात करते हैं।